हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम भूकंप, आप समझ सुनते होंगे कि भूकंप क्या है, अर्थक्वेक आपका, उस पर बात करेंगे और उसके कारणों पर कि अर्थक्वेक आने का कारण क्या है। बाकी अन्य चीज़ें हैं वो हम अन्य वीडियो में बात करेंगे। पहली चीज़ आती है भूकंप। देखिए, भूकंप है एक आपकी विनाशकारी परिघटना है जिससे क्षण भर में है बहुत अधिक विनाश है आपका हो जाता है। भूकंप का मतलब होता है हिलना, अर्थात अचानक कंपन। पृथ्वी में होने वाला अचानक कंपन ही क्या है? भूकंप है। जैसे आप चल रहे हैं, आप कोई बर्तन है, बर्तन आपके हाथ से गिरता है तो उसमें देखेंगे आपको अलग तरीके की आवाज आती है, वही क्या है? आपकी कंपन है। जैसे समुद्र है, मान लीजिए आपका कोई समुद्र है, इसमें आप यहाँ से कंकड़ फेंकते हैं तो यहाँ से अलग अलग दिशाओं की ओर लहरें हैं वो आपकी चलती हैं, वही सब क्या है आपकी? अर्थात जब पृथ्वी में बाह्य या अंतर्जात कारणों के माध्यम से है या पृथ्वी के आंतरिक और बाह्यजात बलों के कारण होने वाले कंपन को ही भूकंप कहा जाता है। अब भूकंप आने का कारण क्या है? भूकंप किस कारण से है? कि भूकंप जब आता है तो उस स्थान से है ऊर्जा जनरेट होती है, और जब वहां से ऊर्जा निकलती है तो उसकी तरंगे हैं अलग अलग दिशा में चलती हैं। जैसे ये मान लीजिए हमारी अर्थ है, इस वाले स्थान जहां पर भूकंप है उत्पन्न होता है उसे भूकंप मूल कहा जाता है, फोकस कहा जाता है, या हाइपो सेंटर, फोकस या हाइपो सेंटर। उत्पत्ति केंद्र दूसरी चीज है, और इस भूकंप का सबसे पहले अनुभव है जिस स्थान पर होता है। देखिए, यहां से जब भूकंप उत्पन्न होगा तो तरंगें इधर भी चलेंगी, इस तरफ भी चलेंगी। अब पता है तरंगें कहाँ सबसे पहले पहुंचेंगी? जो उसके सबसे नजदीक होगा, अर्थात भूकंपीय तरंगों का अनुभव है धरातल के जिस वाले भाग पर है होता है, अर्थात जहां पर सबसे पहले धरातल भाग पर है तरंगें पहुंचती हैं उसे अधिकेंद्र, एपी सेंटर कहलाता है। एपी सेंटर और ये फोकस के आपका 90 डिग्री के एंगल पर होता है, और ये फोकस के 90 डिग्री के एंगल पर होता है। एक चीज और है, इस एपी सेंटर के ठीक विपरीत दिशा में भूकंप की तरंगें पहुंचती हैं। जैसे ठीक विपरीत दिशा में इस वाला भाग से यहां पर भी आपकी कितने मिनट के बाद? 21 मिनट के बाद, जिसे हम एंटी नोड कहते हैं। एंटी नोड कहा जाता है। कई बार पूछ लेता है कि भाई अधिकेंद्र से कितने मिनट के बाद है आपका जो भूकंपीय किरण है या भूकंप की सही तरंग है कितने मिनट के बाद पहुंचती हैं? तो आपका 21 मिनट के बाद। इसे हम कहते हैं प्रति ध्रुवस्थ या प्रति विपरीत बिंदु। अब दूसरी चीज आती है कि ये भूकंप आने का कारण क्या है। देखिए, भूकंप के कारण को हम, कॉजेज को हम दो भागों में विभक्त करते हैं, एक आपके मैन मेड और एक आपके नेचुरल, अर्थात आपके पहला प्राकृतिक कारक और दूसरे हैं
मानवीय का। आपके नेचुरल कॉजेज और आपके दूसरे हैं हमारे मैनमेड कॉजेज। अगर हम बात करें प्राकृतिक कारक, तो प्राकृतिक कारक में सबसे हम पहले जो लेते हैं प्लेट विवर्तनी घटना, प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट विवर्तनी क्रियाएं, हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाले में बताया, और दूसरी चीज और है प्लेट विवर्तनी घटना है हमारी, इस पर जो धरातल है इस भूभाग में है 7 मुख प्लेट हैं और आपकी 20 माइनर आपकी गौण प्लेट है। वैसे आपकी छोटी मोटी आपकी 100 प्लेट के आसपास है और ये प्लेटें हैं मूव करती रहती हैं, और जब मूव करती हैं तो 3 डायरेक्शन होती हैं, या तो आपका ये प्लेट है एक दूसरे की तरफ गति करती है और एक दूसरे से टकराती हैं, और जिसमें दोनों अगर विनाश होता है जिसे हम डिस्ट्रैक्टिव प्लेट मार्जिन कहते हैं। जब दो आदमी आपस में टकराएंगे तो बताइए कंपन होगा या नहीं होगा, तो इसमें भूकंप आएगा। आने का कारण क्या है, जो हैवी प्लेट होगी और हैवी प्लेट है वो इसके नीचे छेपित होगी, और छेपित होने के बाद में ये मेल्ट होगी और पिघल करके मैग्मा ऊपर आने की कोशिश करेगा, और जब ऊपर वाले भाग में धक्का देगा तो इससे क्या होगा आपका कंपन उत्पन्न होगा। दूसरी कंडीशन कि जब दो प्लेटें हैं एक दूसरे से विपरीत दिशा की ओर जाएंगी, तो ऊपरी वाला भाग है जो आपका एक मैंने कहा पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाले भाग में बताया हमने कि एक प्लास्टिक दुर्बल मंडल होता है, जब ये विपरीत दिशा की ओर जाएंगी तो वहां से दबाव हटेगा और वो मलबा कहाँ की कोशिश करेगा ऊपर, जिससे आपके भूकंप उत्पन्न होंगे। तीसरी कंडीशन है जिसमें दो प्लेटें हैं एक दूसरे के आमने सामने तो जाती हैं लेकिन टकराती नहीं है, और जब टकराती नहीं है जिससे रूपांतरण भ्रंश का निर्माण होता है, और ये रूपांतरण भ्रंश जैसे इसका एग्जांपल आपका दिया ये उत्तरी अमेरिका है आप देख पा रहे होंगे, और यहाँ पर ये कैलिफोर्निया खाड़ी है, इस खाड़ी के पास आप ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर आपका ट्रांसकरेंट जो भ्रंश है सैन एंड्रियास जो भ्रंश है वो इसी का परिणाम है। कौन सा भ्रंश बताया हमने, सैन एंड्रियास। नेक्स्ट आपका हम बात करते हैं आइसोस्टेसी भू संतुलन। भू संतुलन आइसोस्टेसी, देखिए जैसे आपने देखे होंगे तराजू, तराजू में दोनों पल्ले होते हैं दोनों बराबर होते हैं कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन कभी है अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, और अव्यवस्था उत्पन्न होने का कारण क्या है, उसका कारण है कि कहीं जब एक प्लेट पर है मलबा की मात्रा अधिक हो जाती है। अब वो किस तरह से है, वो आपके बाह्य कारकों द्वारा हो सकती है कि आपका पूरा वाला भाग है या प्लेट है इस प्लेट पर है, बाह्य जनित कारकों के कारण मान लीजिए यहां से कोई पर्वत था इसका इरोजन हुआ और उसका जमाव कहाँ कर दिया इस वाले भाग, और जब ये अव्यवस्था उत्पन्न होगी प्लेटों में मूवमेंट होगा, और जब प्लेट मूवमेंट होगा तो आपका भूकंप की घटनाएं आपकी होती है। नेक्स्ट आपका कारण है आपका प्रत्यास्थ पुनस्थलन सिद्धांत।
तीसरा है प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। ये एचएफ रीड ने दिया और उन्होंने बताया कि पृथ्वी एक इलास्टिक की तरह है, जैसे आपने देखा होगा रबड़, रबड़ है उसको एक खींचने की सीमा होती है, यदि उससे अधिक खींचा जाता है, जब अधिक खींचा जाएगा तो बताइए टूटेगा, और टूटने के बाद में है उसका, जैसे ये है आपका, ये टूट करके है इस तरह मूव करेगा आपका और आप में तेजी से लगती है। अर्थात जब चट्टानों को है एक निश्चित सीमा से अधिक फैलाया जाता है, और फैलाने का रीजन क्या है, वो आपका टेम्परेचर के कारण हो सकता है, किसी और अन्य कारणों से हो सकता है, तो आपका उससे भूकंप उत्पन्न है आपका होता है। उसके बाद में है मेटोराइट, अर्थात आपका मेटोराइटिक फॉल है, उल्कापात। जब उल्कापात होता है ऊपरी धरातल से है पृथ्वी पर है आपकी, जब उल्का गिरती है और उसके कारण है पृथ्वी पर क्या होती है आपकी, भूकंप उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट क्रिया है भ्रंशन फॉल्टिंग। देखिए अधिकांश भूकंप हैं आपके भ्रंशन वाले क्षेत्रों में ही आते हैं। कारण क्या है कि जहां भ्रंश होंगी, जहां दरारें होंगी उन वाले भागों में है ऊपरी वाले भाग से जल का अवशोषण नीचे की तरफ होगा, और साथ ही साथ है वो जल है वाष्प में वेपर में कन्वर्ट होगा, और वो धक्का देकर के कहां निकलेगा आपका, ऊपरी वाले भाग की ओर है आपका निकलेगा, उससे भी भूकंप उत्पन्न हो जाए। नेक्स्ट है ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी, देखिए जिस स्थान पर है ज्वालामुखी घटना होती है वहां भूकंप है वो जरूर है, वो निश्चित रूप से आता है, लेकिन ये जरूर नहीं है कि आपका जहां भूकंप हो वहां ज्वालामुखी आए, लेकिन जहां ज्वालामुखी क्रिया होगी जैसे इस तरह से आपका, और आपका मान लीजिए यहां से मैग्मा निकलता है और ये कैसा है कठोर वागर भाग है, अब जब तेजी से आपकी प्रेशर से है मैग्मा बाहर निकलेगा तो यह कंपन होगा और जैसे भूकंप उत्पन्न होते हैं। ये था हमारा प्राकृतिक कारण संदर्भ में, हमने प्लेट विवर्तनी की बात की, प्लेटों के प्रकार पर बात की, उसके बाद है हमने प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत पर बात की, भूस्खलन है आपका आइसोस्टेसी पर बात की, फॉल्टिंग पर बात की, उसके बाद है मानवीय कारक। अब हम बात करते हैं मानवीय कारक। आप देखते होंगे कि मानवीय कारक भी आपके प्रमुख रूप से उत्तरदायी है, और उसमें सबसे पहले है हम जो रिजर्वायर बना रहे हैं, अर्थात पहला है जलीय दाब, जो रिजर्वायर है कहीं पर हमने जैसे कोई बांध बनाया आपका, अब बांध बनाएगा ये वाला भाग है, ये पहले संतुलन था लेकिन हमने यह बांध का निर्माण किया, जब बांध का निर्माण किया तो बहुत अधिक मात्रा में जल का क्या होगा यहाँ पर जमाव होगा, स्टोरेज होगा, जब स्टोरेज होगा तो ये वाले भाग पर दबाव क्या होगा अधिक होगा, इस पर दबाव क्या होगा कम होगा, और असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। जैसे भारत में 1967 का जो भूकंप आपका कौन सा कोयना भूकंप जो आया उसका कारण रिजर्वायर था, उसे दो चीज होती हैं, एक तो दबाव होता है, दूसरी चीज मान लो यहाँ दबाव बनाया तो यहाँ से क्या होगा जल का अवशोषण नीचे होगा, और अवशोषण होगा साथ ही साथ है
ये कहाँ जाएगा, निचले वाले भाग। और हमने बताया जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं आपका टेम्परेचर है प्रति 32 मीटर की गहराई पर है 1 डिग्री टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है आपका इंक्रीज होता है और नीचे बाष्प में कन्वर्ट होगा और जब बाष्प में कन्वर्ट होगा तो ऊपरी वाले भाग में धक्के उत्पन्न होंगे और जिससे भूकंप उत्पन्न हो जाएंगे। नेक्स्ट है हम पेट्रोलिंग जो ड्रिलिंग करते हैं आपका ड्रिलिंग जब पेट्रोलियम पदार्थ निकाला जाता है तो बहुत सारा पानी है इंजेक्ट किया जाता है निचले वाले भाग। अब क्यों किया जाता है, मान लीजिए हम नीचे ही पानी इंजेक्ट करेंगे पानी के फोर्स से है जल है वो क्या होगा आपका एकत्र होगा जिससे आसानी से निकाल लिया जाएगा। लेकिन वो जल को हम नहीं निकालते और वो किस में कन्वर्ट होता है वेपर के रूप में कन्वर्ट होकर के बाहर निकलता है और जब बाहर निकलता है तो उससे भी हमारे यहाँ पर है भूकंपीय घटना है वो आपकी हो जाती है। नेक्स्ट परमाणु परीक्षण, न्यूक्लियर टेस्ट। देखिए न्यूक्लियर टेस्ट है हर देश करता है, कोई स्थल वाले भाग में करता है कोई जली वाले भाग। जैसे भारत है, भारत कहां करता है राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान। पोखरण में करता है। कुछ देश है समुद्र के नीचे वाले भाग में करते हैं जैसे फ्रांस है अमेरिका है ये समुद्र के निचले वाले भाग में करते हैं। और जो हम न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं जैसे बताया जाता है कि मुरोरावो जो एटॉल पर इन्होंने किया मुरोरावो एटॉल द्वीप पर जब इन्होंने किया तो उस द्वीप पर ही आपके क्रैक पड़ गए थे। अर्थात जब यहां पर या भारत में मान लीजिए परमाणु परीक्षण करें तो उससे कंपन उत्पन्न हो जाता है ये हमारे कैसे हैं मानवीय कारक के रूप में। उसके बाद में हम बात करें आपका कई देश हैं जो रेडियो एक्टिव पदार्थ अर्थात जहां खासकर वो देश जो अधिकांश ऊर्जा की प्राप्ति है वो न्यूक्लियर एनर्जी से करते हैं। जब न्यूक्लियर एनर्जी से करते हैं तो उससे बहुत सारा वेस्ट निकलता है और वो वेस्ट को क्या करते हैं कि भूमि के आंतरिक वाले भाग में दबा दिया जाता है और कहीं तो आपका समुद्र के आंतरिक वाले भाग में जाकर के दबाया जाता है जैसे अमेरिका वगैरह रेडियो एक्टिव वे अवशिष्ट को निस्तारण या दबाना जब निचले वाले भाग में किया जाता है और कई बार है उनका लीकेज होता है और जब लीकेज होता है तो उसमें ब्लास्ट की घटना होती है और जब ब्लास्ट की घटना होती है तो उससे हमारा भूकंप है वो आपको उत्पन्न हो जाता है। तो ये था हमारा जिसमें हमने प्राकृतिक कारकों पे बात की मानवीय कारकों पे बात की। कैसा लगा आपको, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम अगले वीडियो में बताएंगे कि जो भूकंप अधिकेंद्र होता है आपका उसका निर्धारण कैसे करते हैं उसको कैसे निकालते हैं और हमें कौन से भूकंप हैं वो हमें नुकसानदायक होते हैं उनके क्या क्या नुकसान होते हैं हम उसको नए वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।